जयपुर में आज मिले 3,310 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति खराब होती जा रही है। आज फिर एक दिन में यहां 3,310 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं हॉटस्पॉट इलाकों में भी नए मरीजों की संख्या आज फिर 100 के पार रही है। वहीं ऐसे इलाकों की संख्या में भी कल से बढ़ोतरी हुई है जहाँ पर संक्रमण है। जिले के लगभग सभी इलाके अब संक्रमण की चपेट में है। तीसरी लहर की ये वो स्थिति है जहां संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुका है। अकेले जयपुर जिले में अभी 20,829 कोरोना के एक्टिव केस हैं। संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए सरकार की ओर से और कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस होने लगी है। जबकि आम लोग जागरूकता के तमाम प्रयासों के बावजूद बिना मास्क के घूम रहे हैं। राजस्थान में बुधवार तीसरी लहर के सबसे डरावने आंकड़े सामने आए हैं। 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 13,398 नए मरीज सामने आए हैं। जयपुर में 3 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं जोधपुर और बीकानेर में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ लिया। 5 जिलों में अजमेर, अलवर, दौसा, कोटा और सीकर में 1-1 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में बीते 16 दिन में कोरोना संक्रमण से अब तक 67 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 50 मरीजों ने पिछले 7 दिन में दम तोड़ दिया। प्रदेश में 13,398 कोविड पॉजिटिव एक दिन में मिले हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा 3,310 पॉजिटिव मिले हैं। अलवर में 1,244, जोधपुर में 1,212, उदयपुर में 876 पॉजिटिव सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 8,213 मरीज रिकवर भी हुए हैं। जय हिंद।